मार्च का महीना चल रहा है और अपनी इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर टैक्स सेविंग स्कीम्स की सीरीज़ की इस आखिरी वीडियो में मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट वर्सेस सुकन्या समृद्धि अकाउंट वर्सेस पोस्ट ऑफिस की एनएससी अकाउंट वर्सेस सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग स्कीम के बीच में। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके मन की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने अपने हिसाब से इन चारों स्कीम में से किसी भी एक स्कीम को चूज करके अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकेंगे। इससे पहले मैंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट की डिटेल वीडियो बनाई है अपने चैनल में, अगर आपने उन वीडियो को देखा है तो आपको आपके सभी डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड। और अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर में कार्ड में उस वीडियो की लिंक दे देता हूँ और अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दे देता हूँ, आप जाइए उन वीडियो को देखिए। उन वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके मन के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आखिर किनके लिए है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और कहां कहां हम इन चारों अकाउंट्स को जाकर खोल सकते हैं। पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को सभी भारतीय खोल सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक हो चुकी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम माइनर के लिए भी खोल सकते हैं, लेकिन उनके 18 इयर्स अचीव होने तक उनके इस अकाउंट को उनके लीगल गार्जियन ही चलाया करेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को केवल हम अपनी बच्चियों के लिए ही खोल सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल या फिर उससे नीचे है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को हम बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे अधिक हो चुकी है। इस अकाउंट को हम बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को सभी भारतीय खोल सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक हो चुकी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की तरह ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को भी हम माइनर के लिए खोल सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट के सभी फायदे को उनके 18 इयर्स होने तक उनके लीगल गार्जियन को ही मिला करेंगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को केवल हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही खोल सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम बैंक्स में नहीं खोल सकते। अब बातें कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेच्योरिटी पीरियड, एक्सटेंशन पीरियड के बारे में इन चारों अकाउंट्स के। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो मिनिमम बैलेंस हमें हर साल देनी पड़ेगी वो है 500 रुपये। इसका मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें मिनिमम 500 रुपये हर साल जमा करने ही होंगे। अगर ये 500 रुपये हम जमा नहीं कर पाए कि कोई भी एक साल में, तो हमें लेट फाइन देनी पड़ेगी अपनी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। मिनिमम टाइम पीरियड होती है 15 साल। इसका मतलब 15 साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 साल, मतलब 15 सालों के बाद हमारी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट मैच्योर हो जाएगी। एक्सटेंशन पीरियड होती है 5 साल। इसका मतलब ये हुआ कि मैच्योर होने के बाद हम अगले 5 सालों के लिए और अपने उसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की जो मैच्योरिटी पीरियड है उसे बढ़ा सकते हैं। अब बातें कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स की जो मिनिमम बैलेंस हर साल है वो है 250 रुपये, मतलब 250 रुपये। 250 रुपये हमें सालाना अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करने ही होंगे। मिनिमम टाइम पीरियड है 14 साल। इसका मतलब 14 सालों तक ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपनी बच्ची की सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में। मैच्योरिटी पीरियड होती है 21 साल। इसका मतलब ये हुआ सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 14 सालों के लिए करनी पड़ती है, लेकिन हमारी जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योर्ड होगी वो होगी आफ्टर 21 ईयर्स। इसका मतलब 7 साल हमें सिर्फ बैंक्स या पोस्ट ऑफिस ओनली इंटरेस्ट पे करेगी। एक्सटेंशन पीरियड कुछ नहीं होती, नील। इसका मतलब 21 सालों के बाद हमें अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में अपनी मैच्योरिटी लेनी ही पड़ेगी। अब बातें कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब हमें एक बार में ही अपनी पैसे जमा करने होंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। मैच्योरिटी पीरियड 5 सालों की होती है और जो एक्सटेंशन पीरियड है वो होती है 3 साल।
अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही है। मेच्योरिटी पीरियड इसकी 5 साल और 10 सालों की होती है और इसमें कोई भी हमें एक्सटेंशन पीरियड नहीं मिलता है। चलिए अब हम बातें कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और सीनियर्स टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट के विन बी मेच्योर विदड्रॉल, पार्शियल विदड्रॉल और लोन्स के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हमें पर प्री मेच्योर विदड्रॉल ओनली एडुकेशन और पर्सनल नीड्स के लिए ही मिलती है। मतलब हम किन्हीं जरूरी कामों के लिए ही प्री मेच्योर विदड्रॉल ले सकते हैं। पार्शियल विदड्रॉल की फैसिलिटी होती है पीपीएफ अकाउंट में, जो कि हमें मिलती है 6 साल आफ्टर ओपनिंग ऑफ आवर पीपीएफ अकाउंट। लोन फैसिलिटी भी हमें दी जाती है पीपीएफ अकाउंट में, लेकिन सर्टेन कंडीशन होते हैं। इन तीनों के बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो उस वीडियो को देखिए, आपके मन के डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में देख लेते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी है कि नहीं। जी हाँ, है ऑन डेथ और ऑन मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारी जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर है उन की दुर्घटनावश डेथ हो जाती है या फिर उनकी शादी हो जाती है, तो हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट को उसी समय बंद कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी है, लेकिन वो हमें मिलेगी हमारी बच्चे के 18 साल होने के बाद। लोन फैसिलिटी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में नहीं मिलती है। अब बातें कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में पर प्री मेच्योर विड्रॉल की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ओनली इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है जो अकाउंट होल्डर है उनकी, या फिर कोई स्पेशल कोर्ट ऑर्डर प्रोवाइड हो जाती है, तभी हम प्री मेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। लोन फैसिलिटी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें मिलती है। बैंक और पोस्ट ऑफिस इसे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते हैं लोन देने के लिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी वही बात है, कोई भी हमें प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं मिलती है। ओनली इन केस ऑफ डेथ और कोर्ट ऑर्डर में ही हमें प्री मेच्योर विड्रॉल मिल सकती है। लोन के लिए भी इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है। अब चलिए बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड की जा रही है वो है 8% पर एनम। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 8.5% पर एनम। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.6 पर एनम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वेरी करती है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस के अपने अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसके बेसिस पर। टैक्स एग्जेम्पशन जो हमें मिलती है इन चारों स्कीम में वो है मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब हम अपने इन चारों स्कीम में से जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अप टू 1.5 लाख उसे एज ए एग्जेम्पशन शो कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अंडर सेक्शन 80C। तो ये थी कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम और सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग स्कीम्स के बीच। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके मन में जो डाउट्स थी इन चारों स्कीम्स के बारे में वो कुछ हद तक क्लियर हो गई है और आप अपने लागत और अपने ज़रूरत के हिसाब से इन चारों स्कीम में से किसी भी एक स्कीम को चूज कीजिए और अपनी टैक्स को बचाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।